शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थान बीएसए कॉलेज में कानून की पढ़ाई पढ़ाने वाले लवगुरु अधिवक्ता, मेडिकल स्टोर संचालक सहित चार लोगों के खिलाफ कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा अधिवक्ता द्वारा थाना हाईवे में बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। थाना हाईवे क्षेत्र निवासी अधिवक्ता युक्ति ने थाना हाईवे में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि एक वर्ष 2012 में एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए बीएसए कॉलेज मथुरा में दाखिला लिया था, जहां प्रोफेसर डीडी चौहान एंड अस्थाई प्रवक्ता ने पढ़ाई के बहाने अपने घर पर बुलाकर अश्लील हरकत करते हुए शादी का प्रबोलन दिया, बल्कि किसी से कहने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए शारीरिक शोषण करते रहे। इस दौरान आगरा के मंदिर में डीडी चौहान ने शादी तो रचा ली, लेकिन शादी को सामाजिक मान्यता नहीं दी और शारीरिक शोषण करते रहे। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 6 मई 2021 को डीडी चौहान ने राधापुरम स्टेट सेक्टर 2 स्थित आवास पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार कर फोटो खींचे गए और मारपीट कर गाली गलौज की गई एवं फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी गई। पीड़िता अधिवक्ता ने युक्ति थाना हाईवे में डीडी चौहान, विष्णु चौहान पत्नी मछला चौहान, विनोद विंदल सहित चार लोगों के विरुद्ध थाना हाईवे में आईपीसी की धारा 354, 323, 342, 376, 504, 506 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में थाना हाईवे पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक चारों आरोपियों में से किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार पीड़ित पुलिस अधिवक्ताओं के चक्कर काट रही है। पीड़ित गिरफ्तारी को लेकर दर दर की ठोकरें भी खा रही है।